कोतवाली थाना क्षेत्र में आज सुबह सरस्वती कॉलोनी निवास एक युवती के अपने घर में मृत मिलने से सनसनी फैल गई। मृतिका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, इसलिए लोग इस बात को लेकर दहशत में थे कि कहीं युवती कोरोना से ग्रसित तो नहीं थी। इस आशंका से क्षेत्र के लोग घबराए हुए थे और युवती के कमरे में नहीं जा रहे थे। हालांकि युवती मृत्यु के पूर्व ही पूरी तरह से स्वस्थ थी, इसलिए कोरोना से उसकी मौत होना संभव बिल्कुल भी नहीं है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। उनके बारे में बताएं थोड़ा, क्या हुआ था कल से आज से आज तक आप लोगों को कैसे मालूम? नीलम मिश्रा बहुत अच्छी लड़की थी, हम लोगों के साथ रहती थी, हम लोगों के साथ काम करती थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस में रहती थी फैमिली वालों की वजह से, और ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ऐसा कभी होगा करके आगे। फैमिली वालों से स्ट्रेस रहती थी, आपसे आप लोगों से मतलब शेयर करती थी? हम लोगों से सारी बातें शेयर करती थी, तो हम लोग समझाते थे उसको कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। अभी अचानक से क्या हुआ इसके लिए तो अब इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोगों को खबर कब मिली? हम लोगों को हमारी कलीग्स है जो वो आए थे यहाँ पे उसको उठाने के लिए, फ़ोन लगाया नहीं रिसीव किया, गेट खटखटाए नहीं रिसीव किया, तब जाके फिर हमारे कलीग्स और अंकल थे उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और देखे तो बॉडी स्टिफ हो चुकी थी, मतलब काफ़ी देर पहले डेथ हो चुकी थी। अच्छा, आप लोगों को इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग जब आए तब मालूम पड़ा। लास्ट बार कब से आप लोगों से मुलाकात? लास्ट ऐसे दोस्तों से पता चला है कि लास्ट 8 बजे करीब उसकी बात हुई है रात को।